आज हम बनाएंगे आलू पराठा, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद होता है और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद है। नाश्ते में ये ज़रूर बना के खाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत खुश हूँ। और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे रहे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी मेरे वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आलू लिया है, इसको पहले से ही मैंने बॉईल करके रखे थे। और मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के आलू लिया है, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू को पहले से ही हमने जो है बॉईल करके रखे थे और उसके बाद जो है इसको हमने मैश कर लिया है। और इसके अंदर हमने मसाला ऐड करना है, जो कि मैंने 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर और 1/2 टीस्पून चाट मसाला। आप चाहे तो इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, जितना आपको टेस्ट में लगे उतना आप डाल दीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे चॉप किए हुए धनिया पत्ता, जो कि फ्रेश है। और इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली, इसको भी हमने चॉप करके रखे थे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। तो इसमें हमने थोड़ा सा गरम मसाला का ऐड किया है, इससे ना खुशबू बहुत अच्छा आएगा, तो इस वजह से। तो अब हम सारे को मिक्स करेंगे अच्छे से। तो इसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम साइड पे रख देंगे। और मैंने आटा को जो है पहले से ही गूंथ के रखे थे, तो झटपट इससे भी हो जाएगा। तो आटे को हमने पहले से गूंथ कर रखे थे। अब इसके छोटे छोटे जो लोइयां हैं वो मीडियम साइज़ के बॉल्स बना लेंगे और इस तरीके से हम इसके अंदर जो स्टफिंग है आलू के वो इसके अंदर फिल करते जाएंगे। तो इसमें जितना हो सके उतना ही लीजिएगा, नहीं तो ये जब आप बंद करने के टाइम बहुत ही दिक्कत आ सकती है। तो इसमें जितना मतलब हो सकता है उतना ही फील करना है। उसके बाद मैं ये एक बना लिया है और इसको हम साइड पर रख देंगे। इसी तरीके से मैं दूसरा भी इस तरीके से बना लूँगी। तो यह बहुत ही सिंपल रेसिपी है, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा। तो ये आप चाहे तो टिफ़िन में भी आप दे सकते हो, बच्चों के स्कूल जब जाते हैं उसमें टिफ़िन में भी आप आसानी से बना कर दे सकते हो। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सबसे शेयर करें, और अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, जितना आपके मतलब जान पहचान के हैं उनसे मेरे चैनल को शेयर करना और मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के सपोर्ट की है। तो मैंने ना इस तरीके से चपाती के जैसे आलू के पराठे को बना लिया है। अब हम इसको सेकेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो पहले तवे को हमने गरम कर लेनी है और उसके बाद इसके ऊपर हमें ये पराठा रख देना है और अच्छे से सेकने के बाद फिर इसमें हम ऐड करेंगे घी को। आप चाहे तो रिफाइन ऑयल को भी यूज़ कर सकते हो। तो घी से आप पराठा बनाएंगे तो बहुत ही खुशबूदार बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये था मेरा आज का रेसिपी, आप लोगों को कैसी लगी वो आप ज़रूर से बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या कोई ब्लॉग लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।